देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को तो पहले अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए। और हमने उन्हें ये भी कहा है कि एक बार अपना आप मानसिक संतुलन ठीक करिए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाइए। आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका एक एक शब्द भाजपा का शब्द है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का शब्द है। आपने जिस तरह से कहा उत्तराखंड की जनता को, यहाँ के आंदोलनकारियों को आप माओवादी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, उनको अराजक कह रहे हैं, अभी तक तो ऐसी स्थिति हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है इस मूवमेंट में जिसने हथियार उठा दिया हो, वो माओवाद की विचारधाराओं को फैला रहा हो? हमें महेंद्र भट्ट जी इस बात को स्पष्ट करें, जो साबित करें कि जो मूवमेंट करने वाले उत्तराखंड की जनता है वो माओवादी है, नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड की जनता से, यहाँ की माताओं से, यहाँ की बहनों से, यहाँ के युवाओं से, हर एक आंदोलनकारी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो हमने उनको खुली बहस की भी चुनौती दी है 4 फरवरी को। और आज जब एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब जनता अपने अधिकारों की लड़ रही है, आप उन्हें माओवादी कहकर जनता का अपमान कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि महेंद्र भट्ट जी को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और उन्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए। और सार्वजनिक रूप से वो माफी नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता इसका जवाब उन्हें देगी। और हमने 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में खुली बहस की चुनौती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को दी है। हमने उनसे कहा है कि आप त्रिवेणी घाट ऋषिकेश आइए और आप मूल निवास के मुद्दे पर बहस कीजिए, आप भू कानून के मुद्दे पर बहस कीजिए और उत्तराखंड के लोग माओवादी कैसे है? आपने उन्हें कह दिया, आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग माओवादी हैं? कौन ऐसा आदमी है? आप क्या माओवाद की विचारधारा को जानते हो? क्या आप जानते हो कि विचारधारा कहां से आए, माओवाद कैसे पनपा? आपको तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी। क्या कौन ऐसा आदमी है उत्तराखंड मूवमेंट में जो हथियार उठाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हो, जैसे चाइना में हुआ? कौन ऐसा आदमी है जिसने हथियारों के बल पर यहाँ की सरकार को इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया हो जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो? तो आप इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जनता को, जो उनका एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस मकसद को आप नहीं चाहते कि जनता के बीच एक ऐसा संदेश जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो महेंद्र भट्ट जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम लोग अभी विशेष सत्र बुला रहे हैं विधानसभा का, उसमें यूसीसी लाने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरकार बात कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, आपने आज तक मूल निवास 1950 को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आपने सशक्त भू कानून को लेकर जब कमेटियां बनाई, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। जो हम मांग रहे हैं उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। यूसीसी की बात उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति नहीं कर रहा है इस प्रदेश में। और यूसीसी का जो मसला है उसको लेकर आप पहले कैबिनेट बैठक में भी उसको लाते हैं, आपने न कैबिनेट बैठक में उस प्रस्ताव को लाए, आप विधानसभा में सीधे उस विधेयक को ला रहे हो, इसके बारे में कोई जनता को जानकारी नहीं है किस तरह का आपने ड्राफ्ट तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूसीसी का मामला है, जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ताकि जो ज्वलंत सवाल है उत्तराखंड के, चाहे मूल निवास के, भू कानून के, अन्य सवाल हो, इससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। हम भाजपा से कहना चाहते हैं, भाजपा सरकार से, कि आप मूल निवास 1950 की बात कीजिए, जैसे जनता की भावनाएं हैं उसके अनुरूप आप काम कीजिए, आप सशक्त भू कानून इस प्रदेश में लाइए, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, इसी पर आपको बात करनी चाहिए। अनावश्यक मुद्दों को लेकर आप जनता का ध्यान इस तरह से नहीं भटका सकते, क्योंकि जनता गहराई से चीजों को समझने लगी है। और एक तरफ हम एक कार्यक्रम तय किया है 4 फरवरी के, मैंने जिसका जिक्र अभी किया है, कि हम ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में खुली चुनौती देते हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, क्या आप आइए बहस कीजिए हमसे इन मुद्दों को लेकर जो आपने बातें कही हैं। दूसरा कार्यक्रम हमारा 11 फरवरी को होने जा रहा है टिहरी में। टिहरी में भी ऐतिहासिक मूल निवास भू कानून स्वाभिमान महारैली वहां भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी 1000 लोग वहां पर जुटेंगे, उसको लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद हम चरणबद्ध तरीके से हर जनपद में एक इस तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहले हमारा यही टारगेट है कि एक एक करके हम जनपदों में जाएं, वहां पर लोगों को इस मुद्दे से जोड़े, वहां पे महारैलियां करें और धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को बड़ा करें। ये हमारी सोच अभी उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।